तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई मैं हुआ अभी अपने स्कूल पे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना कल आया था, वहां से खड़ियावास वाला जो रोड बन रहा था वहां से मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और वहां पे फिर है ना दूसरी मशीन भेजी है वहां पे एक, ठीक है। मशीन में नहीं ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो अगला जो हाइड्रोलिक वाला कूलर है मशीन का, ये गियर ऑयल का कूलर है, नीचे हाइड्रोलिक का कूलर था, उसके अंदर है ना लीकेज हो गई थी उसके अंदर, हाइड्रोलिक वाले कूलर के अंदर। तो हमने कॉल की और वो फिर हमने मिस्त्री के पास पहुंचाया था रात को। वो फिर अभी मिलेगा सुबह 10-11 बजे से, ठीक है। ये सारी हमने पाइप खोल रखी है, ये ऊपर की जो गियर ऑयल वाली पाइप है और ये हाइड्रोलिक वाली है। ये इसका इंटर कूलर था। कल रास्ते में आते हुए इसका ये जो अल्टरनेटर का जो ये बोल्ट वाला डंडा होता है ना, ये टूट गया था यहाँ से, देख लो ये मैंने के अंदर है ना दूसरा जोड़ा है, और डंडा भी ये बिल्कुल फिक्स है, अभी बिल्कुल वो नहीं हो रहा, अल्टरनेटर बिल्कुल सही हो गया है। और मशीन के ना दूसरे और चौथे गियर में भी कुछ प्रॉब्लम आ चलने के अंदर। तो अभी तो पहले इसको करके ऊपर के जो नीचे वाले कॉइल है ना ये खोल लूँगा, उसके बाद मैं फिर आप बताऊंगा इस प्रॉब्लम का कैसे क्या इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और एक छोटा सा काम हो रहा है यहाँ से, रेडिएटर का पानी भी हो रहा है यहाँ। तो एक बार यहाँ पे ना एम सील और ना बॉन्ड से एक बार करेंगे, एक बार चेक इसको, अगर फिर भी पानी आएगा तो फिर ये रेडिएटर भी खोलना पड़ेगा। यहाँ से आ रहा पानी, ये टूटा हुआ है ना यहाँ से। A few moments later. तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे मिस्त्री के पास जहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना कूलर, वहाँ पे बालाजी मार्केट में, ठीक है। वो बाइक रही वहाँ पे 7654321। तो भैया मैं आ चुका हूँ मिस्त्री के पास, ये रखा हमारा कूलर, ये यहाँ से हो रहा है, ये रहा यहाँ से छेद हो रहा है इसके अंदर एक। और मैं आया हूँ अभी रेवाड़ी यहाँ पे, मिस्त्री अभी आने वाला, उसके बाद इसका फिर ऑपरेशन कर देंगे। पूरा गंदा भी हो रहा है इसकी, यहाँ वॉशिंग होगी उसके बाद कर दूंगा वहां पे मशीन पे। इसके ऊपर भाई एल्यूमिनियम वाली जो वेल्डिंग होती है ना वो है, क्योंकि एल्यूमिनियम कौन सी होगी, एक ऊपर एल्यूमिनियम वाली एक वैसे रुक जाएगी। हाँ वही होगी। A few moments later. तो भाई हम आ गए अपने स्कूल पे, ये रहा अपना कूलर, इसकी वेल्डिंग हमने करवा दी है, ये देख लो यहाँ से पूरी वेल्डिंग हुई है। अभी इसको एक बार इसके अंदर चेकिंग करते हैं इसकी क्या कुछ रिजल्ट रहता है, ठीक है। भाई हमने ना स्टार्ट कर ली थी मशीन, ये पाइप जोड़ी हाइड्रोलिक वाली एकदम फर्स्ट क्लास है बिल्कुल, ठीक है। अभी इसको मैं इसके अंदर फिटिंग कर दूंगा, उसके बाद ये इंटरकूलर आ जाएगा, और उसके बाद ये फिर बाहर वाली जो जाली है वो आ जाएगी, उसके बाद मशीन कम्प्लीट। हाँ उसके बाद एक काम और है, इसका जो नीचे वाली जो पहले है ना दूसरे गियर वाली वो और खोलनी है एक बार। तो भाई मैंने इसकी जो कॉयल है ना वो हटा दी यहाँ से, ये कॉयल रही इसकी, मेरी कॉयल में ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसका जो ये बाहर वाला जो सॉकेट है ना
ये इसके अंदर बहुत ढीला आता है, ठीक है। तो मैंने इसके यहाँ पे ऐसे बांध दिया, अभी बिल्कुल टाइट है अभी यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो कॉइल की जो ये वाली सॉकेट होता है ना इसका जो अंदर वाला, ये ख़राब है इसका, तो मैंने इसके ये बांध दिया, तो अब ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब इसको मैं फिट कर दूँगा इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। मशीन ही पूरी फिटिंग होगी, ठीक है, फिर बिल्कुल क्लियर है यहाँ से आगे से। अभी मैंने इसकी एक कॉइल खोली थी, जो दूसरे वाली और चौथे गियर वाली वो कॉइल है वो शॉर्ट हुई पड़ी है, ठीक है। पूरी वायरिंग भी चेक की है अभी, और ये जो कॉइल है इसकी ये शॉर्ट हुई पड़ी है पूरी दूसरे गियर वाली, ये वाली कॉइल है, तो ये हमें आज बदलनी पड़ेगी, ठीक है कॉइल।